गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारे व्याकरण के अंतर्गत दिए गए विषय लघु कथा लेखन। वास्तव में लघु कथा लेखन क्या होता है या विद्यार्थी के लिए क्यों उपयोगी है, इसकी उपयोगिता मानव जीवन में क्या है, इसमें कौन कौन से विशेषताएं होती है, इस कहानी के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, जब तक हम इन सब बातों पर विचार नहीं करते तब तक हम किसी कहानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्राचीन समय में कहानी ही एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करती थी, क्योंकि लोगों के पास उस समय तकनीकी माध्यम, यांत्रिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे। समय बहुत था परंतु उनके मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, कहानी सुनाकर एक दूसरे का मनोरंजन किया करते थे। कहानी और लघु कथा दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। कहानी थोड़े विस्तृत रूप में होती है और लघु कथा छोटे रूप में होती है। कहानी के समस्त बिंदुओं का समावेश उस लघु कथा में भी हमें देखने को मिलता है। तो लघु कथा होती क्या है? लघु और कथा शब्द से मिलकर बना हुआ है लघु कथा। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी। इस तरह लघु कथा का अर्थ क्या हुआ? छोटी कहानी। छात्रों, हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला गद्य साहित्य और दूसरा काव्य साहित्य। गद्य साहित्य की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि विधाएं हमें देखने को मिलती है, जिनके माध्यम से लेखक अपने मनोभावों, विचारों आदि का प्रकटीकरण करता है। इसी में लघु कथा विधा भी गद्य साहित्य का एक हिस्सा मानी जाती है, जिसके माध्यम से लेखक के द्वारा विद्यार्थियों का एवं लोगों का या पाठकों का मनोरंजन करने का प्रयास किया जाता है। कहानी उपन्यास के बाद यह विधा सर्वाधिक प्रचलित भी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कहानी के लिए जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, कहानी के लिए 6 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता बताई गई है। उनमें पहला होता है कथानक या कथा वस्तु, जिसमें प्रारंभ से लेकर मध्य और अंत तक की पूर्ण कहानी का सारांश समावेशित होता है, वो कहलाता है हमारे यहाँ कथानक या कथा वस्तु। क्योंकि जब तक कथानक की प्राप्ति नहीं होती तब तक कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा आता है पात्र या चरित्र चित्रण, क्योंकि कहानी को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें पात्रों का होना आवश्यक है। बिना पात्रों के घटनाक्रम नहीं होगा, बिना पात्रों के बातचीत नहीं होगी, और जब घटनाक्रम या बातचीत नहीं होगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तीसरा बिंदु कहलाता है संवाद या कथोपकथन, अर्थात पात्रों के मध्य बातचीत। परंतु बातचीत कैसी होनी चाहिए? निरंतरता को धारण करने वाली, अर्थात कहानी को आगे बढ़ाने वाली, एक लय से प्रश्नों का प्रत्युत्तर देते हुए या जो बात हो रही है उसके ऊपर उत्तर देते हुए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। चौथा है देशकाल एवं वातावरण। इस बिंदु के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस काल विशेष की, जिस समय विशेष की कहानी की रचना कर रहे होते हैं, हमें कहानी में वैसा ही वातावरण, वैसा ही पहनावा, वैसी ही वेशभूषा, वैसा ही देशकाल, वातावरण, समय और स्थिति का बोध कराना होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, कहानी में स्वाभाविकता नज़र नहीं आएगी, कहानी बिल्कुल बनावटी दिखाई देगी। तत्पश्चात भाषा शैली, कि जिस काल विशेष के आधार पर कहानी का निर्माण किया गया है उनकी भाषा शैली, पात्रों की भाषा शैली वैसी ही होनी
चाहिए, वरना हमें उस काल विशेष का बोध नहीं हो पाएगा। और कहानी जिस उद्देश्य को, अगला बिंदु है उद्देश्य, कहानी जिस उद्देश्य को लेकर के चलती है वो उद्देश्य कहानी के अंत में हमें अवश्य प्राप्त होना चाहिए या पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यही चरम उद्देश्य, यही कहानी का अंत होता है। अब बात करते हैं कहानी के प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त लघु कथा के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर लघु कथा लेखन की विधा साहित्य में विकसित होती जा रही है, या उसमें किन किन चीज़ों का समावेश किया जाना आवश्यक होता है। तो देखिए, सबसे पहले आधुनिक समय में इंसानों के पास समय का अभाव होने लगा और वे कम समय में साहित्य पढ़ना चाहते थे। जब वो कम समय में साहित्य पढ़ना चाहते थे तो क्या किया, लेखकों ने उनकी आवश्यकताओं को महसूस किया और कहानी के भी छोटे रूप अर्थात लघु कथा को जन्म दिया। लघु कथा की परंपरा हमारी संस्कृति में विष्णु कुमार द्वारा रचित पंचतंत्र और हितोपदेश की छोटी कहानियों से भी रही है। इन कहानियों को लघु कथा भी कह सकते हैं। इसके पश्चात आप देखें पंचतंत्र में इस तरह की लघु कथाओं में जीव जंतु यानी जानवरों और पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को नीति की शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिससे वो जीवन में उन आदर्शों को ग्रहण करके आगे बढ़ सके, मानव समाज का विकास कर सके, समाज में अपराधों का जन्म ना हो, वो गरीबों के प्रति असहायों के प्रति दया और करुणा भाव से युक्त हो, पूज्य जनों का सम्मान करे। छात्रों, आज हिंदी साहित्य में लघु कथा का जो स्वरूप है या जिसे हम कलेवर कहते हैं, वो और उद्देश्य दोनों बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि आज समय की मांग अलग हो चुकी है, लोग दूसरे तरह की कहानियां पसंद करने लगे हैं। आज ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक आदि कहानियों को कम पसंद किया जाता है। हिंदी साहित्य की गद्य विधा में इस समय आधुनिक काल चल रहा है और आधुनिक समय में कई तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के ही लघु कथा गए बिंदु तैयार हो रहे हैं और उनके ऊपर कहानियों का निर्माण भी किया जा रहा है। इन समस्याओं को कविताओं के रूप में तो पिरोया जा सकता है, काव्य के रूप में तो पिरोया जा सकता है, लेकिन गद्य रूप में प्रस्तुत करने की जो कोशिश होती है वो कहानी अथवा नाटक के माध्यम से ही की गई है। लेकिन ये विधाएं जो होती हैं अपने बड़े विषय वस्तु के कारण इतना प्रभावशाली नहीं हो पाती है कि कम शब्दों में किसी भी क्षण की बातों को पाठक तक कम शब्दों में पहुंचा सके। आज इंसानों की संवेदना और उनकी समस्याएं कई तरह की हैं। इन समस्याओं और जीवन मूल्यों को केवल लघु कथा के माध्यम से कम शब्दों में कह जाने की यह विधा आजकल साहित्य की सबसे प्रचलित विधा बन गई है। मतलब ये लघु कथा लेखन की जो विधा है वो सबसे प्रचलित विधा बन गई है। इसीलिए लघु कथा में इन कथ्यों को कहने की जो परंपरा है, उस परंपरा को विकसित करने के लिए आधुनिक काल में लघु कथा का जन्म हुआ है। लघु कथा में शब्दों की सीमा को लेकर साहित्यकारों में मतभेद बना हुआ है। यह एक शोध का विषय है। कहानी की तरह लघु कथा में भी कथ्य यानी कंटेंट होता है, क्योंकि बिना कथ्य के कहानी का निर्माण नहीं होता, बिना कथानक के कहानी का निर्माण नहीं होता। लेकिन ये कहानी से अपनी लेखन प्रक्रिया और लेखन शैली से बिल्कुल अलग स्वरूप धारण करती है या अलग होती है। अतः हिंदी साहित्य में लघु कथा की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है। धन्यवाद। बाकी आगे के वीडियो में।